वो भी बात को लेके उस बात सही थी।
कि वो सीधा इलाका है। कांग्रेस वालों ने इसी बात पर वोट किए कि भाई जीवन कर देंगे चुनाव के अंदर, वोट दे देंगे, करना क्या कौन हिसाब पूछता है। मैं आ गया तो कम से कम आप हिसाब किताब तो पूछने लगे नेताओं को, पहले कौन तो हिसाब पूछता था, कौन हिसाब किताब, कांग्रेस आती थी बीजेपी आती थी, दुर्भाग्य लेके राजस्थान का कि 50 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शासन किया। 25 साल से वसुंधरा गहलोत का गठबंधन राजस्थान के अंदर चल रहा है। गहलोत के अंदर राज आता है, अशोक गहलोत का बयान सुनो आप, हमारी सरकार मेरा सब जानता है, और गहलोत की सरकार आती है तो वसुंधरा कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, हम ठीक करेंगे, तो मना कौन करें। 25 साल के अंदर भी जांच भी हो जाती है, सजा भी हो जाती है, जेलों में भी डालते थे, लेकिन मेरा दिल का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। या मैंने बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं के बयान सुने, सरदार सर के अंदर किस तरह की बात कर रहे हैं, डर गए मेरे से, डर गए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, कह रहे हैं कि बाढ़ का हनुमान बाढ़ का कहा, हनुमान जी महाराज तो सारा सर का हो गए बालाजी पूर्व जिले के लिए, और मैं हूं जो नाग मछली की नागौर है, यूनिवर्सिटी में राजनीति की, आपके बच्चों के लिए लड़ा और आज भी देश के किसान के लिए लड़ता है, तो आपका शासन पूछ लेना कि आपका शासन लगता है या नागौर का शासन लगता है। जब देश के किसान को तकलीफ पड़ती है, जवान को तकलीफ पड़ती है, तब किसान साधक देखे, एक साल तक दिल्ली के बाहर बैठे थे ठंड के अंदर, तब इस देश के किसानों के सम्मान में सत्ता छोड़कर कोई सड़क पाया, नागौर का सत्य सम्मान मेरे वाला है था शुरू काम के लिए। भाइयों मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं बाहर का अनुमान, अरे तुम किसकी बात कर रहे हो, पहले तो गुलामी से मुक्त हो तुम लोग, जिनकी गुलामी कर रहे हो पहले बात जगह चेंज करो, हनुमान गरुमान की होड़ कहां से करोगे तुम लोग। मैं जो मेरी पार्टी बनाई, संघर्ष करके पार्टी बना के नए विधायक बनाए, नए नेता तैयार किए, सारी जातियों को साथ लेके चला, किसान को जो बड़ी सड़क पाया, और जब सेना को ठेके पर दिया मोदी जी ने, जब मोदी जी ने सेना को ठेके पर दिया तो सबसे पहले अगर कोई सांसद सड़क पर आया कि सेना को ठेके पर नहीं दे सकते, अग्निपुज वापस करो, तो नागौर के सांसद के साथ जिसे चुनौती थी और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके दिल्ली की हवा रहे और आपको ठगा देना, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की बात हो, लंपी कोरोना और टिड्डी से प्रभावित किसानों को राहत पैकेज देने की बात हो, राजस्थान की लंबी परियोजनाएं जो दिल्ली के अंदर रखी हुई है, जल समझौते, राजस्थान के हिस्से के पानी की बात हो, हर वो मामला जो लोकसभा के अंदर अगर आज से किसी ने राजस्थान की प्रेरणाकारी करी तो सबसे ज्यादा राजस्थान की प्रेरणाकारी हनुमान गरीवाल ने करी, चाहे चूरू में रेल की बात हो और चाहे आपका काल छापर अभियान को राष्ट्रीय अभियान घोषित करके फूल बनाने की बात हो। हमेशा मैंने चूरू और नागौर को अंतर नहीं समझा, शेखावाटी मारवाड़ में अंतर नहीं समझा, और उसी का परिणाम है कि वीर देवरा जी के भक्त, मेघा जी के भक्त, बालाजी के भक्त ढोलपुर से लेकर बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक एक नारे एक नारे के साथ सत्ता में परिवर्तन के लिए निकल पड़े, और जवानों ने ऐसी क्रांति राजस्थान के अंदर ला दी है कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर जवान और किसान का कब्जा होगा। भाइयों इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अगर जीतेगी तो अशोक गहलोत के राज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज रोज पर लीक हो रहे, रोज अपराध बढ़ रहे, किस तरह गहलोत पायलट कर रहे, गहलोत मुख्यमंत्री रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और पायलट सीएम बनना चाहता है, और बीजेपी मूक दर्शन होकर पिक्चर देख रही है जो चल रही है, 4 साल में विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाई, चुपचाप बैठी है, मोदी का फेलियर सिस्टम, गाय को राज माता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रूप में ताला लग गया, जब गो माता ने मंत्री से दम तोड़ा, लाखों गाय काल का ग्रास बन गई, गाने भारतीय जनता पार्टी हम हर मामले को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस जीती तो गहलोत के राज में मोर लग जाएगी कि गहलोत का राज अच्छा है, ये कांग्रेस की जीत नहीं होगा कि सरदार सरोवर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सही चल रहा है राजस्थान, और बीजेपी जीती तो लोग करेंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम तो अपना भी आ रहे हैं, मोदी के चेहरे पे हम लोग आ रहे हैं, कभी इधर वोट डालते जाओगे
फिर बूंदी और फूलने वाली बात हो जाएगी, फिर हमारा जो संघर्ष है वो खाली जाएगा। भाइयों, कांग्रेस लड़ रही है और बीजेपी अभी सगाई हुई नहीं, शादी की तैयारी है, दूल्हा कौन है, बारात सज रही है, कौन तोरण मारेगा पता नहीं, पता नहीं, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दूल्हे। दिमाग कितना खराब जाकर भाषण देते हैं, हम आएंगे जाएंगे लूट के तुमने राजस्थान को, देश को लूट के पूरा। हाँ ये सही बात है, पहले अलग अलग राज्यों में लुटे रहे होते थे, अब एक ही जगह लुटे रहे हैं सारे दिल्ली के अंदर, लूट रहे हैं दिल्ली। विपक्ष नहीं है, विपक्ष पर पप्पू है, भारत जोड़ो यात्रा करा, जोड़ो यात्रा करा। मैंने कहा कि खादी कराओ, 55 साल का हो गया कब करोगे खादी, ये तोड़ लेगा भारत और कर लेगा भारत। तो भारत टूटा करता, भारत 1947 के अंदर आजाद हो गया था, भारत तो मजबूत हो गया, पर ऐसे लोगों का हाथ में अगर आ गया तो टूटेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए मैं 100 करोड़ से अपील कर जाता कि चलो आप रोज करते हो, तो मैंने राहुल प्रियंका को जो बच्चे से खिलाया तो शादी की जिम्मेदारी भी आपकी है, इसकी शादी कराओ, इसके थ्रू जुड़े हुए इसको जल्दी आप शादी कराओ। और कांग्रेस के सारे लोगों को ले जाएगा जीवन जीवा दिल्ली का, ये इन्होंने गांधी परिवार में जिमाया तो किसी गांधी लोगों को जीवन जिमाए। भाइयों, बीजेपी कांग्रेस के मिला जुली के खेल को खत्म करना है। आप सोशल मीडिया आप देखिए कि सारे चैनल देश से मोदी के खिलाफ में रैली होती है, कोई दिक्कत है क्या बोलने नहीं, और मोदी जो बोलेगा उसको ऐसे बोलेगा जैसे मोदी को भगवान का अवतार है। मोदी जी एक बार क्या सेवा, जब कोरोना की पहली लहर आई हुई इसके अंदर लोकसभा में बोला यहां कोरोना नहीं आएगा, ऐसे कह रहे थे भगवान जी से बात होगी, कोरोना यहां नहीं आएगा भारत माता भारत भूमि पे। और जब कोरोना आया तो कुछ हुआ जाके बताइए, 50 लाख लोग कोरोना से मरे देश के अंदर, 50 लाख। भाइयों, देश की सत्ता का रास्ता राजस्थान जयपुर होकर गुजरेगा, 23 का सेमीफाइनल है, 23 का सेमीफाइनल सरदार से, और देश का सेमीफाइनल 23 राजस्थान सरदार से जीतता हूं, 2 सीट मिलेगी और 100 सीट मिलेगी तो देश को भी परिवर्तन होगा। उठो लोगों के मन के अंदर बहुत सारी इच्छा है, लेकिन क्या करे, कोई सप्ताह नहीं मिल रहा, कोई पप्पू कप्पू इनको मिलकर मूर्ख ना बोला, मजबूत विपक्ष चाहते हैं, मजबूत राज चाहते हैं। तीसरा मोर्चा देश के अंदर भी अगर आएगा तो तीसरा मोर्चा ही मोदी को घर बिठाएगा, कांग्रेस पार्टी से मोदी घर नहीं बैठेगा। मैं आपको और बता दूं कि राहुल को भेजा ही मोदी ने कि तू यात्रा कर और सारे कांग्रेस के दोस्त छोड़ दे और मेरे छोड़ दे, यही काम के लिए मैं छोड़ा था। वही काम करते हैं, जुजा जी की फाइल मंगा लेते हो, प्रियंका की फाइल मंगा लेते हैं, सोनिया की फाइलें मंगा लेते हैं, और जैसे ही फाइलें आई रोते हुए फोन जाते हैं, तो हम आप छोटा हमारे मामा जी लगते हैं, आप हमारे चाचा जी हो, कोई दीदी कोई जीजू, ऐसे करके अपना काम निकालते हैं दिल्ली के अंदर। तो भाइयों, इन बातों के लिए आपको समझदार बनना होगा और सरदार शेर में एकजुट होकर इस बार ये तय करना कि हमें जो सीट आयल की जितानी है, सरदार शेर जीतने का मतलब है 50 सीटें पार्टी की जीतेगी, और 50 जैसे जीते जी तो 50 मारवाड़ में संघर्ष चल रहा है, 25-30 मारवाड़ में जीता के लिए 25 ये पहुंचे 60-70 है, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा चित्तौड़ टोंक जयपुर फरपुर अलवर तमाम जो मेवाड़ भरा पड़ा सीटा है कि 104 राजस्थान। उठो अपने सांसद को पहचान, एक एक व्यक्ति तय कर लो कि मुझे आज से 10-15 वोटों को रजिस्टर करना है। और मैं एक बार समाज के भाइयों को आह्वान करता हूँ, कब कब जगोगे आप, वोट आ गया आपके समाज के कैंडिडेट कोई टक्कर में है नहीं, तो आपसे मुझे लड़ रहे हैं दोनों, उनसे तो नजदीक के मेरे वालों से हर तरीके से हेगरी नजदीक हो, मुझे हमारे कैंडिडेट
रेट है उसकी मदद करो, हमारा भाई है, आपका भी शोषण हुआ था, हमारा भी शोषण हुआ था, और जिन्होंने शोषण किया था आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। उठाओ मेघवाल मुसलमान ओबीसी के भाइयों, इस सत्ता परिवर्तन की नई क्रांति का आगाज सरदार से इस धरती से करो, एक नया संदेश देश के अंदर दो, मोदी को भी ठीक कर दो और पप्पू को भी ठीक कर दो। जो आपके पास और मौके बार बार नहीं आते, मौके पर चौका लगाता ना सब उधर नहीं बोलता, हमसे ज्यादा बोल रहा था, मैंने मौके पर चौका लगाया ना किसानों ने सत्ता छोड़ दी, सब गाने बैठे मेरे। अब कई एमपी और एमपी को बड़ी तकलीफ होती है, शर्मा जी गाने क्यों बज रहे, मैं सब तुम्हारे भी बच्चे हैं, काम करो ना, फिर काम जो कह सके हमें पार्टी से बाहर निकाल दे। तो जब तुम कोई वसुंधरा को मम्मी कह रहे, कोई गले को पापा कह रहे, दूसरा रहना नहीं लगे जिसके कमरे में किसानों की फोटो है, भगत सिंह की फोटो है, चंद्रशेखर आजाद की फोटो है, या तेरा जी बिबेदी की फोटो है, उसी के गाने बजे लगे, चापलू से चप्पल उठाने वाले के गाने बजेंगे, लेकिन चपरासी होंगे, तो तुम्हें चपरासी हो, चपरासी हो तो नहीं बजते, जीत वीरों के बजते हैं। आजादी के आंदोलन के अंदर सारे तो बहुत लोगों ने दी होगी, लेकिन याद भगत सिंह को उपयोग किया जाता है, उन्होंने वो काम किया था, असेंबली बम ठोका, अंग्रेज के जाके गोली मारी, छोटी उम्र के अंदर जो जज्बा था, उमंग जोश था, बलिदान करने का जो सोच रहा था कि मैं देश भारत माता का गुलाम के पेड़ दुर्मुक्त कराऊंगा, तो सारा चित्र मिल गया देश का, डर गए अंग्रेज, इसलिए भगत सिंह के सबसे ज्यादा जयकारे लगते हैं, और सारे नौजवान भगत सिंह ने अपना आइकन मारता है, मुझे भगत सिंह के जयकारे लगते हैं। हनुमान बेनीवाल ने समाधि में छत्ता से ठोकर मारी, ये चुरमुख हो रहे ना मंत्री जी, ये मंत्री जी तुम्हें 2003 में मिल जाता है, 3, 8, 13, 18, 19 मंत्री जी, खेला बनना था, किसको बनना था मंत्री जी, मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे संतरी बनकर आपकी सेवा करना है। साड़ी ड्राई क्लीन करा के और किसी के कपड़े प्रेस करके अगर कोई मंत्री बनाए, हम तो ठोकर मारते ऐसे मंत्री पदों को, इसलिए हनुमान बेनीवाल खुद की पार्टी बनाकर लड़ाई कर रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टी में लंबे समय तक ले नहीं सकता, मैं तो चलते चलते हिंदू होता हूँ और फिर नई पार्टी बनानी पड़ी आज कि कम से कम इस पार्टी का जो राष्ट्र निकाल रहा है। तो भाइयों अपील करना आया हूँ, मजबूती से लगो, 5 साल का समय पूरे इलाके के अंदर फैल जाओ, सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक व्यक्ति अपील करो, यहाँ से नहीं आने का प्रयास करो, और राजस्थान में फिल्म करने का राज लाए, हम मिलकर इस समय करेंगे और आने वाले समय आपका यही आह्वान करना आपके बीच है।